नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे। वैसे तो मैंने सभी तरह के लोगों की प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज बात करेंगे जनरल मैनेजर के प्रोफाइल के बारे में। जनरल मैनेजर की प्रोफाइल क्या होती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है और वो किस टाइप का होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसे आप देखिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी चॉइस है कि वो लाइफ में जनरल मैनेजर बने, तो इंसान ही जनरल मैनेजर बनता है साथियों, कोई और नहीं बनता है। बस आकांक्षा होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रयत्न भी करना है और चीज़ें सीखना है, चीज़ें अडॉप्ट करना है, अपनी योग्यता को, अपने कौशल को डेली बढ़ाना है ताकि आप उस पद को अच्छी तरह से अचीव कर सकें। और पद अचीव करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस पद पर हमेशा बने रहें और खुद को भी विकसित करें तथा कंपनी तथा ऑर्गेनाइजेशन को भी विकास के रास्ते पे ले जाएं, विकसित बनाएं। यही एक जनरल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो साथियों, एक एक करके मैं पढ़ता जाऊंगा और उसका मैं हिंदी रूपांतरण भी करूंगा आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो जनरल मैनेजर जो होता है, वो जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेशन विद मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग टीम, यानी जनरल मैनेजर वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो मर्चेंडाइजिंग टीम के साथ, पैटर्न मेकिंग टीम के साथ, सैम्पलिंग टीम के साथ अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कौन सा सैंपल कब जाना है, कब टीओपी जानी है, कब प्रोटो जाना है, कब साइज सेट जाना है, कब पीपी जाना है, इसका पूरा ब्यौरा उसको पता होना चाहिए। यानी कि उसका बेस्ट कोऑर्डिनेशन इतना मर्चेंडाइजिंग टीम के साथ होगा कि उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अप्रूवल्स फ्रॉम बायर। अगर किसी प्रकार का स्टाइलिंग में कोई दिक्कत है या किसी प्रकार का वो प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं है, उसको कुछ इजी बनाना है, तो उसकी भी मर्चेंडाइजिंग के ही थ्रू जो रिक्वेस्ट मेल भेजनी है वह पूरी निगरानी में होनी चाहिए जनरल मैनेजर, यानी उसकी निगरानी परम आवश्यक। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। मान लीजिए 1, 2, 4, 5 यूनिट है, तो उसमें उसकी बेहतरीन प्लानिंग करना एक जनरल मैनेजर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कौन सी लाइन में कब माल चलाना है कि लाइन खाली ना हो, तब तक हम दूसरा माल तैयार करके, कटिंग तैयार करके पीछे से अपलोड कर दें ताकि हमारा वर्कर खाली ना बैठे और हमारी आउटपुट डे बाई डे चलती रहे, ब्रेक ना लगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्टाइल एलोकेशन टू यूनिट। समय समय पर स्टाइल की क्या पोजीशन है उसका एलोकेशन करना, उसकी जानकारी लेना, टारगेट जो देना उस टारगेट को अचीव करना, ये भी काम, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनरल मैनेजर की होती है। टेक्निकल सेटिंग ऑफ द गारमेंट। अगर गारमेंट में किसी प्रकार की टेक्निकलिटी का जरूरत है या उसकी आउटपुट किसी मेथड को यूज करने से या किसी भी अटैचमेंट को यूज करने से अगर उसकी आउटपुट बढ़ जाती है और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है और साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उसका भी वॉच आउट करना और वॉच आउट करके उचित सलाह देना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनरल मैनेजर की होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एम्प्लॉयमेंट इन द पीपी मीटिंग, यानी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो पीपी मीटिंग के अंदर जनरल मैनेजर की होनी चाहिए, क्योंकि एक पीपी मीटिंग एक रीढ़ की हड्डी है साथियों। यानी प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन मीटिंग एक माने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एक बिजनेस का पीपी मीटिंग बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी होता है। जैसे बॉडी में
सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में एक पीपी मीटिंग बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा मायने रखती है। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रोडक्शन मॉनिटरिंग यानी प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग करना, ये जनरल मैनेजर की जॉब प्रोफाइल, यानी प्रोडक्शन क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, किस मशीन से कितना आउटपुट आ सकती है, कितने दिन में हम प्लान पूरा कर लेंगे, कब हम फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे, कब शिप करेंगे, ये सारा डेटा मेथड दिमाग लगाना, मॉनिटरिंग करना, ये सारा जनरल मैनेजर की प्रोफाइल होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। फैक्ट्री वर्क स्टडी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कड़ी निगरानी रखना तथा उनके दिए हुए मापदंड को अच्छी तरह से क्रॉस वेरीफाई करना, ये भी जनरल मैनेजर की जॉब प्रोफाइल होती है। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, जो गुड्स है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है कि नहीं, क्वालिटी डिपार्टमेंट से इसकी पूरी फीडबैक लेना तथा साथ में खुद भी क्रॉस वेरीफाई करना कि प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है कि नहीं, यह कस्टमर के लिए ठीक है कि नहीं, या कुछ और सुधार करने की जरूरत है, या कुछ और अमेंड करने की जरूरत है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनरल मैनेजर की होती है। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों शिपमेंट प्लानिंग एंड शिपमेंट प्लानिंग यानी वैसे तो डिपार्टमेंट एक बैठता है साथियों प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन इनके ऊपर भी जीएम का वो होना चाहिए। एक जीएम को खुद प्रोडक्शन प्लानिंग करने आना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन की प्लानिंग करके किस समय पे कौन सी शिपमेंट जानी है और कौन से बैच की है, कब जा सकती है, इसकी पूरी फिक्स प्लानिंग, टीएनए की जानकारी, सब कुछ एक जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कॉस्ट कटिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कम खर्चे में अधिक प्रोडक्टिविटी, यानी कम कॉस्ट में अधिक प्रोडक्टिविटी, इसकी भावना पैदा करना तथा लोगों के अंदर इसको समाहित करना और कम खर्च में, कम लागत में अधिक प्रोडक्टिविटी निकालना, ये जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने सारे बंदों को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए ताकि उनके बंदे अपडेट हों और प्रोडक्टिविटी तथा क्वालिटी के प्रति अधिक जागरूकता फैले। रिक्वायरमेंट, अगर कहीं भी जरूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है तो उसको भी फुलफिल करना, यह जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथियों वर्कर्स पर्सनल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज यानी वर्कर्स की सुख सुविधा का ध्यान रखना तथा वेलफेयर, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना तथा और भी जितनी भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जितने भी बायर की रिकमेंडेशन है, उस पे पूरा उसको फॉलोअप कराना तथा क्रॉस वेरिफिकेशन करना, ये भी एक जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ इंटरनल डिपार्टमेंट इश्यूज यानी अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं साथियों, उनकी कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं, उसका अच्छी तरह से निदान करना तथा उनको सही सलूशन प्रोवाइड करना, ये भी एक जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू साथियों। एक बार, दो बार, चार बार, दस बार आप देखेंगे तो आपको जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से पता हो जाएगा। साथियों आप कमेंट हमें दिया करें, अगर किसी प्रकार के और चीजों के विषय में आपको जानकारी की जरूरत है, आप बेहिचक कमेंट में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो आपको दूंगा। आपका